साइंस वर्ल्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती को ध्यान में रखते हुए मैं भारत की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक्स रहेंगे आने वाले एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती के अंदर। तो हम देखते हैं अब भारत की भौगोलिक अवस्थिति। अब अपना भारत के ज्योग्राफी के अंदर है, इसके अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति बताएंगे। अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, इसके लिए अपन को एक मैप बनाना है। ये भारत का मानचित्र है और संपूर्ण देशों के मानचित्र के लिए हमको अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति मालूम होनी चाहिए। अक्षांशीय स्थिति इस प्रकार की आपको पूर्व से पश्चिम की लाइनें मिलेगी और देशांतरीय स्थिति है वो उत्तर से दक्षिण की लाइनें मिलेगी। तो भारत की स्थिति अगर हम देखते हैं, ये अपनी संपूर्ण पृथ्वी है और इस पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा गया है, इधर वाला उत्तरी गोलार्ध और इधर वाला दक्षिणी गोलार्ध, या इसको उत्तरी अक्षांश और इसको दक्षिणी अक्षांश। तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी अक्षांश में है। कौन से अक्षांश में है? उत्तरी अक्षांश में। अब उत्तरी अक्षांश की स्थिति है वो नीचे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ऊपर है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय स्थिति इस प्रकार की होती है, उत्तर से दक्षिण की रेखाएं होती है, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये तो हो गई भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। और ये जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है वो लगभग 30 डिग्री, दोनों देशांतरों में भी लगभग 30 डिग्री का अंतराल है और अक्षांशीय स्थिति में भी कितने डिग्री का अंतराल है? 30 डिग्री का अंतराल है। अब इस भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? अब पड़ोसी देशों को अगर हम ज्ञात करते हैं तो एक ट्रिक के द्वारा ज्ञात करोगे तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। अब फ़ायदा कौन सा मिलेगा वो मैं बताऊंगा। एक ट्रिक है अपने लिए, बचपन में MBA किया, इसमें आपको ये दो बिंदु याद रखने हैं। बचपन MBA, इसको आप क्रॉस कर दो, इसको भी आप क्रॉस कर दो। इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो आपको पड़ोसी देशों के नाम याद हो जाएंगे, दूसरा इनकी सीमाएं है वो क्रमबद्ध तरीके से याद होगी। देश सबसे पहला है अपना, यहाँ पर ये जो देश है वो कौन सा देश है? बांग्लादेश सबसे पहला आ रहा है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा सीमा रेखा है, सबसे ज़्यादा सीमा रेखा है 4096 किलोमीटर की, सबसे ज़्यादा सीमा रेखा है। ये आपकी किताब के अंदर NCERT की किताब में यही सीमाएं मिलेगी, कुछ में चेंज होगी वो भारत मंत्रालय के द्वारा चेंज मिल सकती है, लेकिन NCERT में आपको यही सीमाएं मिलेगी। सबसे ज़्यादा वैसे बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, फिर इसके बाद में कौन सा बिंदु आ रहा है? चे आ रहा है, चे का चीन, चीन के साथ में भारत की सीमा है वो 3917 किलोमीटर है। अब ये जो सीमा है जिसका नाम है मैकमोहन रेखा, ये 3 टुकड़ों में विभाजित है, एक अरुणाचल प्रदेश को छू रही है, एक सिक्किम को छू रही है और एक भारत को छू रही है, यानी कि विभाजित रेखा है कुल 3917 किलोमीटर।
फिर है पे से पाकिस्तान, ये इधर पाकिस्तान की सीमा आ जाती है, जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, जिसकी लंबाई है 3310 किलोमीटर, 3310 किलोमीटर है। फिर आता है ने से नेपाल, ये जो दोनों भागों से कटा हुआ दिख रहा है वो नेपाल है, जिसकी भारत के साथ में सीमा है 1752 किलोमीटर। ये चारों बिंदु हो गए, चार पड़ोसी देश आ गए। फिर है तीन पड़ोसी देश एम बी ए, इधर म्यांमार जिसका प्राचीन नाम था बर्मा, इसका प्राचीन नाम क्या था बर्मा। चार देशों के बाद में पांचवे नंबर पर है म्यांमार, जिसकी 1458 किलोमीटर की सीमा है, 1458 1458 किलोमीटर की सीमा म्यांमार के साथ में बनती है। फिर है बी से भूटान, सबसे अपना पड़ोसी गरीब राष्ट्र है भूटान, 587 किलोमीटर की सीमा लगती है। और लास्ट में है सबसे छोटी सीमा वाला अफगानिस्तान, हालांकि ये अफगानिस्तान आज पाक अधिकृत कश्मीर के साथ में पीओके के साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन जो मूल रूप में इसकी सीमा लग रही है 80 किलोमीटर की अफगानिस्तान के साथ में। तो इस आधार पर जो सात देशों की हमारे साथ में सीमा लग रही है और दो जलीय पड़ोसी देश है, एक इधर श्रीलंका और इस तरफ है मालदीव, इस आधार पर कुल अपने भारत के पड़ोसी देश नौ हो गए, सात की स्थलीय सीमा लगती है और दो की मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा दो और राष्ट्र जुड़े हुए हैं जिनकी जल सीमा लगती है। इस आधार पर इनके सात पड़ोसी देशों के साथ में जो सीमा लगती है वो कुल 15,200 किलोमीटर की लगती है, जो कि स्थलीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है। और जो जल सीमा है जो कि पश्चिमी बंगाल से शुरू होती है और गुजरात तक जो तट रेखा है उसकी 6,100 किलोमीटर की सीमा रेखा है। इसके साथ में भारत का जो दक्षिणी छोर है वो 8 डिग्री 4 न होते हुए 6 डिग्री 5 है, वो है अपना यहाँ पर अंडमान निकोबार, यहाँ पर अंडमान निकोबार में 6 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत की सीमा शुरू होती है। अगर संपूर्ण भारत के लिए देखा जाए तो 6 डिग्री 5 आएगा और मुख्य भारत के लिए देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट आएगा। ये जो आपको अंडमान निकोबार दिख रहा है वो हिमालय पर्वतमाला की श्रेणी है, ये कुछ कारणों की वजह से यहाँ जलभाग में दब गया और यहाँ पर कुछ ऊपर उठी हुई चोटी है और यहाँ पर भी ऊपर उठी हुई चोटी है। ये जो हिमालय पर्वतमाला है वो एक चापनुमा आकार में है और फिर यहाँ पर जो पर्वतमाला है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है, तो हिमालय पर्वतमाला की जो स्थिति है वो दो रूपों में है, एक चापनुमा आकार में और फिर उत्तर से दक्षिण। तो इस हिमालय पर्वतमाला की श्रेणी के अवशेष है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस आधार पर भारत के पड़ोसी देश है और ये अक्षांशीय और देशांतरीय सीमा रेखा की स्थिति है।